दिन भर दिन नई चुनौतियां देश के सामने आ रही हैं। भूमि अधिग्रहण बिल, SC ST एक्ट, CAA और NRC, किसान आंदोलन। ठीक उसी तरीके से आज देश के सामने एक नई चुनौती आ रही है अग्निपथ को लेकर, कि केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से घिर गई है। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मच गया है। यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब मोदी सरकार के किसी फैसले का इतना विरोध हो रहा है। इससे पहले भी सड़कों पर कई बार संग्राम देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से आंदोलन का सामना कर रही है। इस बार सेना में 4 साल की भर्ती को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 10 राज्यों में युवा सड़कों पर उतरते नजर आ गए हैं। कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक होता हुआ दिख रहा है और प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार में कई जगहों पर ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बसों में तोड़फोड़ की जा रही हैं, कुछ दुकानों में आग लगाई जा रही हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना का सबसे ज़्यादा विरोध इस समय बिहार में देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले महीने भी सेनाओं में 2 साल तक की भर्ती को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से युवा में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। नमस्कार, मैं मयंक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। अब हम बात करेंगे देश में फैली अग्निपथ योजना को लेकर जनता के आक्रोश की। अब जब केंद्र में अग्निपथ योजना का ऐलान हो चुका है तो अगले ही दिन सैकड़ों युवक सड़कों पर उतरते नजर आए हैं। प्रदर्शन के चलते 38 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, हाईवे जाम कर दिए गए हैं। मोदी सरकार के 8 साल में अब तक कई बड़े आंदोलन देश के सामने आए हैं। कुछ आंदोलन की वजहों से सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े हैं। 2015 में भूमि ग्रहण अध्यादेश का विरोध, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के कुछ ही महीने बाद भूमि अधिग्रहण को लेकर नया अध्यादेश लगाया गया। इस अध्यादेश में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। सरकार ने कई बार इस अध्यादेश को संसद में पास करने की कोशिश की, लेकिन ये वापस नहीं हो सका। विरोध में किसान भी सड़क पर उतर आए थे। इसका कारण ये था कि जमीन अधिग्रहण के लिए 80% किसानों की सहमति जरूरी है, लेकिन अध्यादेश में इस प्रावधान को हटा दिया गया था। आखिरकार 31 अगस्त 2015 को सरकार ने इस अध्यादेश को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। ठीक उसी तरीके से दूसरी चुनौती देश के सामने आई 2018 में SC और ST एक्ट को लेकर, जब पूरे देश में बवाल मच गया था। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST इस एक्ट के तहत दर्जन मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसले देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बाद ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दलित समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा करते हुए नजर आ रहे थे। दलित समुदाय ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद बुलाया। देश भर में हुए दलित आंदोलन में कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बाद में दलित समुदाय की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार ने SC और ST एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने का फैसला लिया। इसके लिए संसद में संशोधित कानून वापस कराया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधित कानून को मंजूरी दे दी थी। 2019 से 2020 में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिलाने के मकसद से मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन लेकर आई। इसके तहत इन तीनों देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता दिलाने का प्रावधान था। दिसंबर 2019 में ये कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। कानून में प्रावधान था कि अगर इन तीनों देशों से 6 धर्मों के लोग 31 दिसंबर 2014 से इस कानून का
देश भर में जमकर विरोध हुआ। देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। पहले भारत में आकर जो लोग बस चुके थे वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कानून का देश में जमकर विरोध हुआ। देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी सामने आए। जैसा कि आपको पता होगा कि देश के शाहीन बाग में महीनों तक लोग सड़कों पर उतर आए थे। कोरोना महामारी के आने के बाद मार्च 2020 में शाहीन बाग में डटे लोगों को हटाया गया। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल होने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये कानून अभी भी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके नियम नहीं बने हैं। और हाल में ही अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोविड खत्म होते ही CAA को लागू कर दिया जाएगा। 2020 से 2021 तक, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साल पूरा किसान आंदोलन चलने के बाद 19 नवंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। 1 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी तीनों कानून को रद्द करने वाले कानून को मंजूरी दे दी थी। आखिरकार 9 दिसंबर को किसानों में आंदोलन वापस लेने की बात कही। जिस तरीके से देश में अब तक इतनी चुनौतियों का सामना करती हुई नज़र आती है हमारी सरकार, ठीक उसी तरीके से आज एक नई चुनौती का सामना कर रही है जो कि अग्निपथ योजना को लेकर है। अब देखना ये है कि ये योजना कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत साबित होती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नज़र टुडे।